क्या रॉकी करने वाला है इंडियन गवर्नमेंट को कंट्रोल? क्या सब कुछ होगा रॉकी के हिसाब से? हेलो दोस्तों, आप सभी का पॉलीग्राफ स्टूडियोज में स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त कनिष्क और मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं KGF 3 के आगे की कहानी। अब पिछली वीडियो में तो हमने ये देखा कि कैसे रॉकी एकदम अपना मन पक्का बना लेता है इंडिया आने के लिए, लेकिन उससे भी पहले वो मिलना चाहता है इनायत खलील से, ताकि वो पूरी दुनिया को, स्पेशली इंडिया में बैठी रमिका सेन को ये बता सके कि रॉकी इज बैक। एक सुबह रॉकी अपने चॉपर में बैठ के दुबई के लिए निकल जाता है और वहीं दूसरी तरफ इनायत खलील अपने आलीशान से बंगले में बहुत ही ज़्यादा आराम से बैठा हुआ था। तो उसी वक्त उसकी सिक्योरिटी के पास एक लैंडिंग परमिशन आती है कि वो उनके लैंडिंग एरिया में लैंड करना चाहते हैं, लेकिन वो चॉपर अननोन था और उससे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी। तो उसकी सिक्योरिटी ने खबर की इनायत खलील को, जिसके बाद इनायत खलील ने उस ऑर्डर को रिजेक्ट करने के लिए बोल दिया, जिसके बाद रॉकी को ये बात पता चलती है, लेकिन वो गुस्सा नहीं हुआ। उसके फेस पे तो एक स्माइल थी और उसने रिजेक्शन के बाद भी उसी जगह पे अपने चॉपर को लैंड करवाया। इनायत खलील रॉकी को इतने टाइम के बाद देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि रॉकी आके जिंदा कैसे है। सबको तो ये खबर मिली थी कि रॉकी मर चुका है। अब उसके मन में तो कई सारे सवाल थे, जिसके बाद रॉकी उसको बोलता है, लगता है मुझे देखकर तुम खुश नहीं हुए। इनायत खलील से मिलने के बाद रॉकी अपने चॉपर में बैठ जाता है और वो सभी को ये ऑर्डर देता है कि जितने भी हथियार है सबको इंडिया इम्पोर्ट कर दिया जाए और उनके सारे आदमियों को भी एक्टिव कर दिया जाए, क्योंकि हम कल इंडिया जाने वाले हैं। अब कैसा होने वाला है रमिका सेन का रिएक्शन और क्या धमाल मचाएगा ये जबरदस्त फेस ऑफ, इन सारे सवालों का जवाब तो मैं आपको जरूर दूंगी, लेकिन हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।